मैं मुस्कान आजाद, आप देख रहे हैं जनवर टाइम्स सच के साथ एक कदम। आज माल रोड पर स्थित इंदिरा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाए गए 102 जयंती कार्यक्रम में आगरा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित उपस्थित रहे। सभी कांग्रेस कमेटी के सदस्य, ये देखते हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद के साथ कैमरामैन आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। ऊपर अदम्य साहस की प्रतीक भारत रत्न, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 102 जयंती पर आगरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे आगरा के सभी देहात और शहर के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनकी 102 ईस्वी की जन्म पर शत शत नमन करते हैं। और आज हम सब कार्यकर्ता कहते हैं अदम्य साहस एक महिला, तो मैं कहती हूँ कि इस भारत की हर उस महिला के अंदर उनकी छवि, उन हमारी प्रेरणा ऐसी हमारे व्यक्तित्व की धनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के, जो हम लोगों का बीच इस भारत को अंतिम, उनका जो एक भारत के लिए संबोधन था कि इस देश के लिए अगर मेरी कुर्बानी हो और अगर मेरे प्राणों की न्योछावर भी हो, तो उस न्योछावर में मेरे एक खून का कतरा इस देश के एक एक बूंद काम आए। बस यही कहना चाहती हूँ आगरा की तरफ से। हम सब लोग उनके इस जयंती पर सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। आज इंदिरा जी के जन्मोत्सव पर हम सभी कांग्रेसजनों की ओर से देश के लोगों को बधाई देते हैं। और इंदिरा जी ने इस देश में जो शासन चलाया, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, 71 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यही वही इंदिरा गांधी जी थी जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो 1,00,000 फौज को उन्होंने सरेंडर कराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज अगर मोदी जी में हिम्मत है तो ऐसा कुछ करके दिखाएं। इंदिरा जी पे या महात्मा गांधी जी पे उंगली उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की थूती नीतियां सबके सामने आ चुकी हैं। रोजगार देने के नाम पर रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आज रोजगार छीनने में लग रही है।
कानून व्यवस्था बदलने नहीं है, जनता का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान की खबरें देने लगते हैं, जनता का ध्यान बटाने के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात करते रहते हैं। अब नया सिगुफा आगरा में छोड़ रहे हैं, आगरा का नाम बदलेंगे। अरे नाम बदलना बदलो, कोई बात नहीं है, ऐतराज किसी को नहीं है, लेकिन पहले ये गौशाला खुलवाइए, इतना पैसा बर्बाद आप करेंगे, बंदरशाला खुलवाइए, इनसे तमाम जनहानि हो रही है, तमाम अव्यवस्थाएँ फैल रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर ध्यान देने का काम नहीं कर रही सरकार। कभी इंदिरा जी पर उंगली उठाती है, कभी कांग्रेस पर उठाती है, कभी महात्मा गांधी जी पर उठाती है। इसलिए आज हमने संकल्प लिया है उनकी जन्म तिथि पर कि कांग्रेस ही एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, उत्तर प्रदेश में 22 में अपनी सरकार बनाएंगे और 24 में दिल्ली में अपना झंडा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस देश की नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा, और आज शहर कांग्रेस कमेटी अपने साथियों के साथ में यहाँ पर ये इनकी जो मूर्ति रखी है इंदिरा जी की, उस मूर्ति पे हम लोग माला अर्पण करने आए और इस देश की खुशहाली के लिए उनके सामने नम करते हुए और प्रार्थना कर रहे हैं कि इंदिरा जी जो यहाँ चाहती थी इस देश के अंदर, जो उन्होंने यहाँ पर इस देश को विकास के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बजा दिया था, और दुनिया के लोग श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी दुनिया के अंदर, उस पैदान पर खड़ा कर दिया था कि जिसे भारत का नाम और सर भारत की जनता का मनोबल बढ़ा, सीना बढ़ा, और बहुत से ऐसे काम किए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं इंदिरा जी ने इस देश को दी, मगर आतंकवादियों ने भी इंदिरा जी को की हत्या कर दी, शहीद कर दिया। आज हम 102वां जन्मदिन इंदिरा जी का मना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं ऐसी इंदिरा जी जैसी एक महिला और कोई पैदा हो, और वो जो है चाहे इस देश को आगे बढ़ाने में काम करें, और जो देश की हालत है वो देश ऐसे लोगों के पास में इस देश की कमान गई है जो सोच भी नहीं सकते थे, और हम यही दुआ करते हैं कि देश तरक्की पे जाए और यहाँ भाईचारा बना। पूरे विश्व में चलता था, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। वो एक ऐसी महान लेडी थी जिन्होंने कभी किसी देश से हार नहीं मानी। रशिया से अच्छे संबंध रहे, चाइना से अच्छे संबंध रहे, अमेरिका से अच्छे संबंध रहे, और विशेष तौर पर जब मौका मिला तो उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके इस देश में संदेश दिया। इंदिरा जी जिन्होंने जब पंजाब जल रहा था तो उन्होंने भिंडरांवाले जैसे आतंकवादियों के साथ अमृतसर में तोप घुसवा दी और कहा कि नहीं, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ऐसी महान लेडी के जन्मदिन के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी उन्हें नमन करती है और याद करते हुए देश को आगाह करना चाहती है कि जो सरफरे लोग इस देश पे काबिज हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, जो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जिन्होंने झूठ का सहारा लिया, पुलवामा कांड कराया जिसमें हजारों लोग मारे गए, देश में नोटबंदी की जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, देश में GST लगा रखा है जिससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, और तमाम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके नाम पर राजनीति करके देश को धोखा दे रहे हैं, और देश में वासियों से हम आगाह करते हैं कि अब वो पुनः कांग्रेस की ओर देखें जिन्होंने देश से आज़ादी से लेकर आज तक संसद की कभी परवाह नहीं की, हमें कुर्सी मिले या ना मिले। एक ऐसी महान नेता सोनिया जी जो आज देश में कांग्रेस कमेटी का कमान संभाले हुए हैं, जिन्होंने कुर्सी को 2 बार लात मार दी, देश की जनता ने 2 बार जनादेश दिया कि आप सोनिया जी आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ हैं। एलायंस के दल जो हमारे साथ थे वो भी सोनिया जी को चाहते थे, लेकिन उन्होंने त्याग की बात की, उन्होंने कहा नहीं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों की सेवा करनी है, इस देश का विकास कराना है, और मनमोहन सिंह जी को सरकार बनवाई। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि वो इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? उन्होंने आडवाणी जैसे लोगों को भी साइड करके केवल कुर्सी के लिए अपनी हठधर्मा के तहत इस देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश को सावधान रहना।